माँ और शिशु का साझा सूक्ष्म जीव संसार। एक माँ से शिशु को क्या-क्या मिलता है? गर्भ के अंदर विकास, फिर माँ का दूध, लाड़ प्यार, दुलार, संस्कार, सुरक्षा, क्या-क्या नहीं मिलता। एक और चीज मिलती है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और कम ही जानते हैं। मिलते हैं हजारों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया, जिन्हें हम जर्म्स या कीटाणु या विषाणु या जीवाणु के रूप में जानते हैं, जिनके बारे में हम डरते हैं कि वो नाना रोगों का कारण बनते हैं। आधुनिक मानव की हमेशा कोशिश रहती है बैक्टीरियाओं से बचने की। सफाई रखो, हाथ धो, नहाओ, एंटीसेप्टिक साधन अपनाओ और छान कर पानी पियो और बाहर का खाना मत खाओ। इसके फायदे जग जाहिर हैं, ठीक ही तो बात है, लेकिन यह भी सच है कि हम बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से बच नहीं सकते। कुछ भी कर लो, हम डाल डाल तो वो पात पात। बैक्टीरिया तो यूबिकोटस हैं, सर्वव्यापी हैं। जहां में ऐसा कहां है जहां बैक्टीरिया ना हो, शायद स्टरलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर को छोड़कर। यदि कण कण में भगवान है तो कण कण में बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु हैं। इनकी खलनायक वाली छवि से परे सच्चाई तो यह है कि बैक्टीरिया हमारे अंतरंग साथी हैं, हमारे भले के साथी हैं या फिर तटस्थ किराएदार। हमारे शरीर में प्रति क्षण कितने बैक्टीरिया रहते हैं? लगभग उतने ही जितनी कि हमारे शरीर में कुल कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहते हैं, हमारी चमड़ी पर रहते हैं और कुछ शरीर के अन्य अंगों में। इनकी वैरायटी हजारों प्रकार की होती है। वैरायटी मतलब स्पीशीज। आंतों तथा शरीर के अन्य भागों में रहने वाले बैक्टीरिया के परिवारों का अपना एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इनका स्वस्थ संतुलन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या वर्षा वन का या रेगिस्तान की इकोलॉजी का। इस इकोलॉजी को हम माइक्रोबायोम कहते हैं, सूक्ष्म जीव संसार। एक सैनिटाइज्ड ऑपरेशन थिएटर तो मानव निर्मित कृत्रिम स्थान है। प्रकृति में ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई रचना बैक्टीरिया विहीन हो? बहुत कम जगह हो सकती है। और एक स्वस्थ माँ के गर्भ में पल रहा शिशु भी जन्म के समय वो स्टराइल रहता है, जीवाणु रहित होता है। और प्रसव के दौरान बाहर आते समय नवजात का शरीर माँ के योनि मार्ग अर्थात वेजाइना में मौजूद हजारों प्रकार के करोड़ों बैक्टीरिया के चिपचिपे द्रव पदार्थ में लथपथ होकर बाहर आता है। माँ अपनी संतान को जीवन का पहला कवच पहनाती है। यूनानी पुराण कथा में एफ्रोदीते अपने नन्हे शिशु एचिलिस को उसकी एड़ियों से पकड़कर उल्टा लटकाकर स्वर्ग की नदी में एक डुबकी इसीलिए लगवाती थी। बच्चों का माइक्रोबायोम अर्थात सूक्ष्म जीव संसार माँ की देन से शुरू होता है। जन्म के बाद एक दो वर्षों में छाती से चिपक कर दूध पीते पीते, माँ की सांसों को सूंघते सूंघते, माता की देह की गर्मी में अलसाते शिशु को माँ के बैक्टीरियाओं की सतत सप्लाई मिलती रहती है। बच्चे की इम्यूनिटी का तंत्र और मेटाबॉलिज्म इन्हीं से विकसित होते हैं। माँ ने जिन जिन इन्फेक्शन या संक्रमण का सामना करके खुद के शरीर में जो प्रतिरोधात्मक रक्षा प्रणाली और एंटीबॉडीज गढ़ी होती हैं और लिम्फोसाइट गढ़े होते हैं, उनका ट्रांसफर हजारों बैक्टीरियाओं की अनेक खेपों के माध्यम से होता रहता है। एक शोध पत्रिका सेल के दिसंबर 2022 के अंक में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ब्रॉड इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक विस्तृत सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित किए। नवजात शिशु के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में उसके और माता पिता और माताओं के सूक्ष्म जीव संसार अर्थात माइक्रोफ्लोरा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। आंतों और शरीर के अन्य अंगों में बसने वाले बैक्टीरिया की कॉलोनी से निकलने वाले नाना प्रकार के रसायन बच्चे के बौद्धिक विकास में महती भूमिका निभाते हैं।
शोधकर्ता रमणीक ने बताया कि माँ और बच्चों के 70 जोड़ों के टट्टी के सैंपल समय समय पर इकट्ठा किए गए। उनमें मौजूद बैक्टीरिया को विशिष्ट मर्तबानों रसायनों से भरे हुए जार्स और प्लेटों में उगाया गया है। इस विधि को कल्चर करना कहते हैं। उगने वाले बैक्टीरिया की बस्तियों अर्थात कॉलोनीज की पहचान करने की अपनी विधियां और कसौटियां होती हैं। कल्चर करना अर्थात उगाना एक पुरानी और लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, परिणाम उतने सटीक नहीं मिलते। बैक्टीरिया मौजूद हों फिर भी कल्चर में उगने से रह जाते हैं। जेनेटिक्स विज्ञान में युगांतरकारी प्रगति के कारण अब 165 RRNA तकनीक के द्वारा सूक्ष्म जीवों पर बैक्टीरियाओं पर शोध त्वरित हो गई है, आसान हो गई है, सटीक हो गई है। राइबोसोमल आरएनए की इस उप इकाई में विभिन्न न्यूक्लियोटाइड और तदनुरूप अमीनो एसिड्स की क्रमबद्धता के सुनिश्चित पैटर्न इस तरह से भरे रहते हैं मानो खास खास हस्ताक्षर या फिंगरप्रिंट हो। बैक्टीरिया की हजारों प्रजातियों के डीएनए के क्रमबद्ध पैटर्न इनसे इनका मिलान करते हैं और उन जीवाणुओं की पहचान पुख्ता हो जाती है। सूक्ष्म जीव संसार अर्थात माइक्रोबायोम के दोनों सैंपल्स, माँ वाला सैंपल और बच्चे वाला सैंपल में अनेक भिन्नताएं पाई गई और माँ और बच्चे के आहार का भी प्रभाव देखा गया। नई आश्चर्यजनक बात ये मालूम पड़ी कि शिशु की आंतों में माँ वाले अनेक बैक्टीरिया न होने के बावजूद उन जीवाणुओं की जीन्स अर्थात जीनोम के अंश वहाँ पर पाए गए। सामान्यतया जीन्स का अनंतरण मतलब ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या बिना प्रजनन के एक ही पीढ़ी के एक सदस्य दूसरे सदस्य तक कुछ जीन्स छलांग लगा के पहुंचा सकते हैं? इसे दुर्लभ अपवाद माना जाता है। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। एक सहलेखक टॉमी वनानेन जो हेलसिंकी फिनलैंड के हैं, उन्होंने कहा कि शुरू में हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि माँ की आंतों के बैक्टीरियल बस्तियों में से जीनोम के हजारों अंश कूद लगाकर शिशु के माइक्रोबायोम को समृद्ध बना रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ के दूध और अन्य स्पर्श माध्यम से इन्फेंट के शरीर में प्रवेश करने वाले अनेक बैक्टीरिया वहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उस छोटी सी अवधि में उनके जीनोम के छोटे छोटे टुकड़े जिंदा रह जाने वाले बैक्टीरियाओं में सवार हो जाते हैं। ट्रांसफर अर्थात अनंतरण की इस प्रक्रिया में प्रोफेज नाम की वायरस एक कैरियर की या वाहक की भूमिका निभाती है। इनको चलायमान जीन्स कहते हैं, मोबाइल जीन्स। इनकी खोज सबसे पहले 1940 के दशक में बारबरा मैकिनटॉक ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन इस तरह का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जन्म के समय से ही शुरू हो जाता होगा और शिशु के विकास में इतनी महती भूमिका निभाता होगा इसका अनुमान नहीं था। जो बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा होते हैं उन्हें माँ के बैक्टीरियाओं के रंगों की होली में भींगने का मौका नहीं मिलता, ये उनके लिए एक हानि है। फिर भी यदि आगामी सप्ताहों और महीनों में माँ का दूध और चमड़ी से चमड़ी चिपक कर मिलने वाले लाड़, प्यार, हगिंग, आलिंगन, चुंबन आदि मिलते रहें तो काफी हद तक इस कमी की पूर्ति हो जाती है। अगली बार आप जब भी एक माँ की खुली छाती पर किसी नन्हे शिशु को चिपक कर दूध पीते देखें तो जरूर मुस्कुराइएगा कि बच्चे के सूक्ष्म जीव संसार को अच्छा खाद पानी मिल रहा है। माँ की आंतों और वेजाइना में मौजूद बैक्टीरिया की जातियों और संख्याओं का गर्भ में पल रहे फीटस की रचना और विकास से गहरा संबंध पाया गया है। इन जीवाणुओं से निकलने वाले अनेक केमिकल्स बच्चे की इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन अर्थात प्रदाह को नियंत्रित करते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम के एक लाभकारी बैक्टीरिया को माँ के वेजाइना में बहुतायत से पाया गया है। नवजात शिशु की आंतें समझ लो एक बहुत बड़ा रियल इस्टेट है जिसमें देखते ही देखते जन्म के बाद ढेर सारी नई कॉलोनियां बस जाती हैं और उन कॉलोनियों में नाना प्रकार के बैक्टीरिया जिनके कि धर्म और नस्ल और जातियां और रंग और भाषाएं अनेक अनेक होते हैं। कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व भी घुसपैठ कर जाते हैं,
पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया। माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार, माँ की हाइजीन का आदि का भी असर पड़ता है। शिशु को यदि प्रथम 6 माह तक केवल माँ का दूध मिले तो उसकी आंतों में बाइफिडो बैक्टीरियम नाम का एक लाभकारी बैक्टीरिया ज्यादा उगने लगता है। जामा पीडियाट्रिक्स नाम की एक जर्नल में जुलाई 2018 के एक अंक में कनाडा के कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि डिब्बे का दूध पीने वाले बच्चों में मोटापा, एलर्जी, डायबिटीज, ऑटोइम्यून बीमारियां आदि रोगों की आशंका अधिक पाई गई, क्योंकि उन बच्चों की आंतों का सूक्ष्म जीवाणु संसार इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोम विकृत किस्म का था, उसमें खराब प्रकार के बैक्टीरिया ज्यादा थे। मेरी पत्नी डॉक्टर नीरजा IBCLC अर्थात इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, वो हमेशा बताती हैं कि महज कुछ ही दिनों में थोड़ी सी खुराक, मजबूरी में अगर बोतल के द्वारा दूसरे प्रकार का दूध जैसे कि गाय का या पाउडर का देने से बच्चे की इंटेस्टाइन के जीवाणुओं का स्वस्थ संतुलन गड़बड़ा जाता है और उसके पुनः ठीक होने में अनेक सप्ताह लग जाते हैं। दीर्घकालिक दुष्परिणाम होते हैं। दुख की बात है कि अनेक डॉक्टर्स स्तनपान के लिए केवल जवानी जमा खर्च करते हैं, लिप सर्विस प्रदान करते हैं। जरा सी भी कठिनाई आई, थोड़ी सी तुच्छ सी कठिनाई आई तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का पालन करते हुए माँ को सलाह दे डालते, पिला दो, ऊपर का पिला दो। वो नहीं जानते, या शायद जानते भी हों, कि ऐसा करके वो राष्ट्र की भावी पीढ़ियों के पोषण, इम्यूनिटी और बौद्धिक विकास में खलल के एक कारक बन रहे होते हैं। धन्यवाद।